Welcome, it's me Yasin, and today I want to tell you about the digestive system. इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इधर हमें ऑब्जेक्टिव दिया है, इस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हमें इस पीपीटी में सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है. ऑब्जेक्टिव है डिफाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेस इट्स फंक्शन. हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफिनेशन देखेंगे और उसके जो फंक्शन है वो देख लेंगे. डिफाइन द वेरियस ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मुख्तलिफ ऑर्गन से उसके बारे में पढ़ेंगे. डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव ऑर्गन. जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. डिस्कस द रोल ऑफ एसेसरी ऑर्गन इन डाइजेशन सिस्टम. और जो एसेसरी ऑर्गन से एसेसरी ऑर्गन है उसको भी उसका क्या रोल है, एसेसरी ऑर्गन का क्या रोल है वो भी डिस्कस करेंगे. डिस्कस द डाइजेशन फूड विद इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. और इसमें जो फूड डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में कैसे होते हैं, स्टमक में कैसे होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. डिस्कस द अब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो न्यूट्रिएंट है, जो अब्जर्प्शन है, न्यूट्रिएंट के अब्जर्प्शन कैसा होता है वो भी डिस्कस करेंगे. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन. हम जो डिफिकेशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन. डिफिकेशन जो हमारी बॉडी, जो हम फूड खाते हैं उसके बाद जो एनर्जी वगैरह, जो अनडाइजेस्टिबल फूड जो रह जाते हैं वो हमारे रेक्टम के जरिए बाहर निकलते हैं, ठीक है. तो उसको डिफिकेशन कहते हैं, ठीक है. अभी डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, सिस्टम मीन डिफरेंट ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड सिस्टम. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव एक्चुअली हम कहते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है. तो ये सारा जो एक प्रोसेस है हमारा, जो लार्ज हम जब खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें बड़ा मालिक्यूल्स उसमें होते हैं, एनर्जीज होते हैं, ठीक है. उससे बड़े मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलते हैं उससे. और जो हमारा इस एनर्जी की वजह से जो हमारा बॉडी ग्रोथ है और जो टिश्यू रिपेयर होते हैं तो इसकी बदौलत होते हैं, ठीक है. अभी ये देख सकते हो, ये डायग्राम देख सकते हो, ये सारा जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से, ये माउथ है, ये ओएसोफेगस है, और ये स्टमक है, ये वाला स्टमक है, और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से. अभी हम पढ़ेंगे कि एसेसरी ऑर्गन क्या होता है और जो एलिमेंट्री कैनाल मेन ऑर्गन जो है वो क्या होता है वो अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी देखो, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन से कंपोज होता है. टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन इसमें मुश्तमिल होते हैं, ठीक है. एक ग्रुप को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. इसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है, ये मेन ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन ऑर्गन है वो, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, सही है. और उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं. ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे एमसीक्यूज दे सकते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को हम सेकंड नेम क्या कहते हैं, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल, या एलिमेंट्री कैनाल को दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हम शॉर्ट फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीआई ट्रैक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. ये मेन ऑर्गन जो है, ये हमारे माउथ से, ये कंटिन्यूसली ट्यूब होता है हमारे माउथ से एनस तक, ये कंटिन्यूसली ट्यूब होता है, ठीक है. फिर एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम. एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम मेन ऑर्गन नहीं होते हैं, मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ हेल्प आउट करते हैं, ठीक है. तो ये टू ग्रुप्स हो गई है. ये क्या हो गए? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एक हो गया, एक एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एक जैसा है, ठीक है. जो दूसरा है एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. अभी ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल से दिया गया है.
ये क्या कहते हैं, द गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। ये क्या कहते हैं कि जो हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, या उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, ये कंटिन्यूस ट्यूब है हमारे जो माउथ से एक्सटेंड होके एनस पर ख़त्म होता है। ठीक है, अभी उसमें ये गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो मेन ऑर्गन्स है हमारे साथ, वो क्या है, माउथ है और फेरेंक्स है, जो ज़्यादातर हिस्सा फेरेंक्स का भी आता है। सही है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ। ठीक है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो मेन ऑर्गन्स है वो क्या 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 है। ठीक है, तो माउथ है, पेरेंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का ऑर्गन्स है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ आपको लाजमी याद करना है कि लेंथ इसका तकरीबन 9 मीटर है। क्या 9 मीटर है, इसमें अगर हम फीट में देख सकें तो 30 फीट और 9 मीटर इसका लेंथ है। ठीक है, अभी एसेसरी ऑर्गन पहले ही मैंने डिफाइन किया कि एसेसरी ऑर्गन वो होता है जो मेन ऑर्गन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट करता है। उसमें सबसे पहले आता है टीथ, सही है, टीथ आता है, फिर टंग आता है, सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवरी ग्लैंड भी आता है, सलाइवरी ग्लैंड फिर तीन किस्म के होते हैं, वो आगे आके हम डिस्कस करेंगे। सही है, फिर लीवर, लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं, बाइल प्रोड्यूस के एक गॉल ब्लैडर है, ये भी डिटेल में आता है, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पैनक्रियास भी है, पैनक्रियास जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी नीचे आते हैं, आप देख सकते हो ये अपर जाए लोअर जाए, ये टीथ का टीथ दिया हुआ है, ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं, आप देख सकते हो ये सारो टीथ का नाम है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने नॉलेज के लिए ये देख लेना। ये टंग भी दिया है, मुख्तलिफ हिस्सों का नाम है, ये भी देख लेना खुद। अभी एसेसरी जो सलाइवरी ग्लैंड था, सलाइवरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स है। ठीक है, एक पैरोटाइड ग्लैंड है, पैरोटाइड ग्लैंड जो हमारे कान है इसके नीचे लगा हुआ था, ये पैरोटाइड ग्लैंड है। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये जो मैंडिबुला है, ये जो जाए लोअर जाए इसके नीचे लगा हुआ होता है। ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, एक जो टंग की नीचे होता है, ये टंग की नीचे होता है, ये सारा क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा। ठीक है, और वह अभी फिर लीवर आता है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर, ये लीवर और गॉल ब्लैडर एक दूसरे के साथ अटैच हुआ होता है, ये लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है, फिर आके इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इधर स्टोर होता है। ठीक है, आपको ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लीवर में जो बाइल है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, और गॉल ब्लैडर जो है उसमें स्टोर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस नहीं होता, लीवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। सही है, इस दोनों से फिर डक आते हैं, ये दोनों से डक आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलती है, फिर इधर, फिर ड्यूडिनल जो फार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर फार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट पार्ट है, वो छोटा पार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके साथ ये अटैच होता है, उसके थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशन वगैरह है वो करते हैं। ठीक है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन क्या है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, जब इनटेक ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, इंजेशन, सिंपल हम कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड को हम इंजेशन बोलते हैं। सही है, जब हम इंजेशन करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ ग्लैंड से, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से, हमारे माउथ से वगैरह सारे जीआई ट्रैक जो है उससे सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो उसको हम मुख्तलिफ इंजाइम वगैरह आते हैं डाइजेस्टिव जो फूड है उस डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, सिक्रेशन के बाद वो मैक्स हो जाता है प्रोपल्जन, उसका प्रोपल्जन, उस फूड का प्रोपल्जन होता है। प्रोपल्जन मीन
एक डाइजेस्टिव पार्ट से दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन तक जो फूड जाते हैं उसको हम प्रोपल्शन कहते हैं, सही है, प्रोपल करना, धकेलना, ठीक है। अभी डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन जो हमारे जो लार्ज मालिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मालिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है, उसका डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर डाइजेशन के बाद जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होता है वो अब्जर्ब होता है, ठीक है। अब्जर्ब्स के बाद जो अनडाइजेस्टिबल फूड बच जाती है तो वो डिफिकेशन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अभी इंजेशन अभी डिटेल से दिया है कि इंजेशन क्या है। इंजेशन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ। वैसे मैंने पहले ये बताया कि इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड को सिंपल हम क्या कह सकते हैं, इंजेशन, बस ये बात क्या है इधर, ठीक है। अभी सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन जो हमारे जी आई ट्रैक है मुख्तलिफ ग्लैंड है, आर्गन है, वो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन करते हैं मुख्तलिफ इंजाइम की, ठीक है। तो हमारे एक दिन में हमारे साथ तकरीबन अबाउट 7 लीटर जो वाटर है, एसिड है, बपर है, एंजाइम है, ये सिक्रीट होता है, ठीक है। हमारे लीमन क्या होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल की तरफ जो सुराख होता है उसको हम लीमन कहते हैं, सही है। एंटीरियर जो स्पेस होता है, अंदर की तरफ जो स्पेस होता है जी आई टी ट्रैक का, ठीक है, उसको हम लीमन कहते हैं, ठीक है। अभी मिक्सिंग अ प्रोपल्शन मैंने पहले ये बताया कि जब स्मूथ मसल्स का कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं उसके जरिए से वो फूड जो है हमने जो इनटेक किया है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। उस पर फिर सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन के बाद वो प्रोपिल होता है एनस की तरफ, उसको हम प्रोपल्शन कहते हैं, ठीक है। अभी द कैपेबिलिटी ऑफ द जी आई टी ट्रैक टू मिक्स एंड मटीरियल अलॉन्ग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटिलिटी। अभी मोटिलिटी क्या होता है, मोटिलिटी जो है हमारे जी आई टी ट्रैक की वो सलाहियत जो फूड को मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं और आगे की तरफ धकेलते हैं, हम जो फूड हमने कहा है उसको हम मोटिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अभी डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन दो किस्म के डाइजेशन होता है, सिंपल डाइजेशन हम इसे कहते हैं कि जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल। तो अभी मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्रेन पुट बिफोर इट इज सॉल्व। वो जब हमारे टीथ जो है वो जो फूड है वो कट करते हैं और ग्रेन मतलब छोटे छोटे हिस्सों को कन्वर्ट करते हैं बिफोर इट इज सॉल्व, मतलब सॉल्व से पहले ये कट होते हैं और छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड होते हैं, ठीक है। अभी फिर क्या होता है, जब हमारे स्मूथ मसल में चले जाते हैं, स्टमक में चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, तो उधर क्या होता है, जो स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसमें भी जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो आकर होता है, ठीक है। इस रीजन में क्या होता है, इट्स अ रिजल्ट फूड मॉलिक्यूल बिकम डिजॉल्व एंड थ्रोली मिक्स विद द डाइजेशन एंजाइम। ये क्या होता है, ये मिक्स डिजॉल्व होता है और मिक्स होता है किसके साथ, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ, ठीक है। फिर मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ कंबाइन होते हैं तो फिर केमिकल डाइजेशन आकर होते हैं। उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। लाइक अभी लिपिड जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को जो सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उसको कन्वर्ट हो जाता है फिर ऑब्जर्वेशन में। प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम काफ़ी प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड, टंग, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन कैटालाइज दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या हो, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड में, टंग में और स्टमक में, पैनक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को, कैटालाइज करते हैं ये एंजाइम, डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड, टंग, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसको
कैटालाइज करती है, तेज करता है, ठीक है। अ प्यूर सब्सटेंस इन द फूड कैन बी ऑब्जर्व विदाउट केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन दिस इंक्लूड विटामिन आयन, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर। अभी बस सब्सटेंस ऐसा होता है कि उसके ऑब्जर्व के लिए कोई मतलब डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक विटामिन आयन, कोलेस्ट्रॉल, वाटर, इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं होता है, डाइजेशन ज़रूरी नहीं होता है, वो ऑलरेडी वो ऑब्जर्व हो सकता है, सिंपली ये कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्प्शन, अभी ऑब्जर्प्शन क्या होता है, ऑब्जर्प्शन जो इंजेस्टेड जो फूड है, जो सिक्रीशन हुआ है, ठीक है, जो डाइजेशन प्रोडक्ट हमें मिली है, वो जो एपिथेलियल सेल है उसमें एंटर हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अभी डिफिकेशन क्या होता है, डिफिकेशन द वेस्ट एंड एंड डाइजेस्टिबल सब्सटेंस बैक्टीरिया सेल्स स्टार्टेड फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द जॉइंटेड ट्रैक एंड डाइजेस्टिव मटीरियल दैट वर नॉट ऑब्जर्व इन देयर जर्नी थ्रू आउट द डाइजेस्टिव। ओके, अभी जो वेस्ट रह जाते हैं, ठीक है, जो वेस्ट रह जाते हैं, जो सब्सटेंस वो डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट नहीं हुई, वो जो बैक्टीरिया रह जाते हैं, सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं वो रह जाते हैं, वो क्या, वो जो हमारी जीआईटी ट्रैक से निकलती है, ठीक है, एनस के जरिए वो निकल जाती है फिर, ठीक है, उसका डाइजेशन नहीं, उस जो मटीरियल होता है वो उसका जो डाइजेशन नहीं हुई है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो हमारी बॉडी से निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन।